गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया, आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी स्टार्ट कर दिए होंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिए होंगे, इसीलिए आपके लेक्चर छोटे छोटे बनाए जा रहे हैं जिससे कि आप इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट करें। कम टाइम ही दें लेकिन अच्छे से दें। तो अभी थोड़ा सा रेगुलरिटी मेंटेन करिए और कॉन्टिन्यू करिए। साथ साथ एक वीडियो डाली जाती है तो उसको देखने की कोशिश करें। जब तक नेक्स्ट वीडियो डाल दी जाती है तो नेक्स्ट वीडियो तभी देखें जब उसके पहले वाली वीडियो देख चुके हों, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। ऐसे अगर डिसकंटिन्यू करके देखेंगे तो उतना अच्छा फीलिंग नहीं आएगा। तो कोशिश करें कि वीडियो को कंटिन्यू, हर लेक्चर को कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो हमने ये चीजें बता रखी थी और 6 मात्रक विमाएं याद करा दी थी, तो उनको एक बार रिपीट करते हैं कि लंबाई का मात्रक मीटर और विमा एल, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम विमा एम, समय का मात्रक सेकंड विमा टी, ताप का मात्रक केल्विन और विमा भी के होगी। ये बताया था बेटा, इंग्लिश में लेंथ कहते हैं तो विमा एल ले लिया, मास कहते हैं तो एम ले लिया, टाइम कहते हैं टी ले लिया, तो टेम्परेचर और टाइम सेम टी से शुरू है इसलिए इसके मात्रक पर चले गए, तो मात्रक से उसी को विमा बना दिया। तो बेटा ताप का मात्रक भी केल्विन होगा, विमा भी के होगी, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर विमा ए, और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला विमा सी डी, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल और विमा मोल, बस इसमें ई नहीं है ये आप ध्यान दीजिएगा। ये हो गए इसके कुछ मात्रक और विमाएं जो हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। अब हमने ये भी बता दिया था कि लंबाई को मापना है, चाहे चौड़ाई को मापना है, चाहे ऊंचाई को मापना है, चाहे गहराई को मापना है, चाहे किसी दूरी को नाप लीजिए, चाहे विस्थापन, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ये सब चर्चाएं आगे होंगी, चाहे विस्थापन को नाप लीजिए, चाहे चाप नाप लीजिए कि यहां से यहां कण ऐसे वृत्तीय पथ पर गया है, चाहे उसकी त्रिज्या नाप लीजिए उस वृत्त की, इस सब की विमाएं और मात्रक वही होंगे जो लंबाई के होंगे। मतलब इनका मात्रक क्या होगा, मीटर, और विमा क्या होगी, एल। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला हमने बताया था याद करने के लिए क्षेत्रफल या आयतन, तो आयतन का मात्रक क्या हो गया, मीटर क्यूब विमा एल थ्री। फिर उसके बताया था हमने वेग या चाल, तो उसका मात्रक क्या था, मीटर पर सेकेंड विमा एल टी माइनस वन। फिर त्वरण का मात्रक क्या बताया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विमा एल टी माइनस टू। फिर बल का बताया था मात्रक मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विमा एम एल टी माइनस टू। फिर हमने कार्य का बताया था, बल कार्य का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और विमा एम एल टू टी माइनस टू। हमने कहा था इन्हें याद भी कर लीजिए, जो हमने अभी बोला है इतने विमा मात्रक अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे किसी भी विमा मात्रक में परेशानी नहीं होगी। एक विमा मात्रक और रटाएंगे, बाकी आप दुनिया का कोई भी विमा मात्रक निकालें। तो उसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल आपको कराते हैं हम आज। जैसे संवेग फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा बेटा, फॉर्मूला आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, तो फॉर्मूला आपको नेक्स्ट क्लास में याद करा देंगे, हम धीरे धीरे याद कराते रहेंगे। तो फॉर्मूला एक मिनट बस, तो फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा वेग। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपको चैप्टर के साथ साथ याद हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा वेग। अब मात्रक निकाल लो बेटा, द्रव्यमान का मात्रक वहां से बताओ चार्ट से किलोग्राम, वेग का मात्रक क्या रखा था आपने, मीटर पर सेकंड, वो डायरेक्ट रखेंगे बहुत फायदा मिलेगा, तो मीटर पर सेकंड, तो इनका गुणा कर दीजिए तो क्या आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये आ गया मात्रक। और संवेग की विमा निकाल लीजिए तो विमा क्या हो जाएगी, द्रव्यमान की विमा, द्रव्यमान की विमा देख के बोलो बेटा एम, और वेग की विमा एल टी माइनस वन आपने याद की है, कितनी याद की है बेटा एल टी माइनस वन, तो ये क्या हो गया टोटल एम एल टी माइनस वन, क्या हो गया बेटा एम एल टी माइनस वन। एक्चुअल में ये पावर्स होती हैं, तो अगर पूछा जाए संवेग की विमा तो ये बोलना उतना सही नहीं होता है एम एल टी माइनस वन, ऐसे बोला जाता है संवेग में जो द्रव्यमान है उसकी विमा एक है, इसके खोपड़ी कितना लिखा है एक, जब कुछ नहीं लिखा होगा तो कितना मानोगे एक, लंबाई की विमा भी एक है और समय की विमा माइनस एक है। ओके, तो ये जो पावर होती है, क्योंकि विमा की परिभाषा क्या है, मूल राशियों पर चढ़ाई जाने वाली
घातों को विमा कहते हैं। किसको विमा कहते हैं बेटा? घातों को विमा कहते हैं। तो इसी के बाद नेक्स्ट देखिएगा, जैसे इसको आप अगर कर लिए हो तो अब एक अच्छा सा हमें एक देते हैं, आप ट्राई करिए। घनत्व, घनत्व भी कई प्रकार का होता है, अभी हम बात कर रहे हैं आयतन घनत्व की। तो द्रव्यमान बटे आयतन, ये फॉर्मूला हम बता रहे हैं बेटा, आप इसको ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो। सही आए तो आप कमेंट सेक्शन में राइट लिखो, और गलत आता है तो कमेंट सेक्शन में रॉन्ग लिखो। क्यों रॉन्ग हुआ ये रीजन पे जरूर आप लिखें कि क्यों किस रीजन से ये गलत हुआ। जल्दी से ट्राई करो बेटा फास्ट। तो आपने अगर ट्राई कर लिया हो तो हम बताने जा रहे हैं, इसको नोट करिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा अगर ट्राई नहीं किया हो तो। तो मात्रक क्या हो गया? द्रव्यमान का मात्रक बेटा क्या हो जाएगा? किलोग्राम। बटे में आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो इसका मात्रक क्या हो गया घनत्व का? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। विमा क्या हो जाएगी? द्रव्यमान की विमा क्या है बेटा? एम। और इसकी आयतन की विमा L3। तो ये क्या हो जाएगा? ML-3। थोड़ा चाहो तो इसका मेकअप वेकअप करके स्मार्ट बना दो इसको। तो कैसे स्मार्ट बनाते हैं? MLT के रूप में आंसर होता है इसका। तो ML-3T^0 ये हो गया बेटा। तो ये हो गया घनत्व का अगर आपका आंसर सही है कमेंट सेक्शन में करेक्ट लिखो, गलत है कमेंट सेक्शन में इनकरेक्ट लिखो। बेटा जल्दी से इसको सॉल्व करिए, अगर आपका गलत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अगर सही है तो बहुत बढ़िया है, करेक्ट लिखिए, आगे बढ़िए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं फिर, इसको अगर आपने कर लिया हो तो नेक्स्ट बताते हैं भैया। दाब, नेक्स्ट क्या है? फॉर्मूला हम बता रहे हैं, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। जल्दी सॉल्व करो। दाब या प्रतिबल दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, आगे पढ़ेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रतिबल या दाब, ये होता है बेटा बल बटे क्षेत्रफल। जल्दी से मात्रक और विमा निकालने की कोशिश करो फास्ट, जल्दी से मात्रक और विमा निकालो, देखो आपका क्या आता है फास्ट। जो भी आया आप कमेंट सेक्शन में तुरंत बताओ बेटा। देखो अब हम बता रहे हैं मात्रक, बल का मात्रक अभी उसी फॉर्म में लिखिएगा इस वाले में, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी बटे में यहां बटे का निशान है, तो ये पुराना वाला बटे का निशान है, तो उसे थोड़ा सा बड़ा बनाइए नहीं तो गलती हो जाएगी। क्षेत्रफल को क्या लिख दोगे? मीटर स्क्वायर। इसके बटे में एक लिख लो, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर बीच वाला बीच वाले से गुणा हो जाता है, तो इसको कैसे लिख दोगे बेटा? किलोग्राम मीटर का एक से गुणा करोगे किलोग्राम मीटर आ जाएगा, बटे में मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया। अब इसका मात्रक क्या हो गया बेटा? किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, बटे में ही है, ऐसे लिख सकते हैं आप। ओके तो ये हो गया इसका मात्रक। अब विमा निकाल लो बेटा। विमा सबसे आसान होता अगर ये लास्ट वाले से आप निकालें तो, लेकिन ये समझ पाए कि किलोग्राम किसका मात्रक है ये आपको पता हो तो इससे निकालना सबसे आसान होता है। तो देखो चाहे इस फॉर्मूले से निकालो चाहे इससे निकालो, हम इस फॉर्मूले से भी बता रहे हैं उससे भी। तो बल का विमा क्या हो जाएगा? MLT-2। याद कराया था बेटा, कहा था 6 याद करने हैं, अभी 5 में एक और बचा है। क्षेत्रफल का क्या होगा? 6 या 7 जो भी हो याद करना है। क्षेत्रफल का क्या होगा? L2। एक L से एक L सही हो गया, क्या आया? M, L को ऊपर बुलाओ -1 हो जाएगा T-2, ये आ गया बेटा विमा। ओके इससे अगर निकालते तो देखो ऊपर किलोग्राम है तो किलोग्राम की विमा क्या हो जाएगी? M। नीचे मीटर है, मीटर की विमा L, ये समय है इसकी विमा T^2। अब इनको ऊपर बुला लो, ये ऊपर यही है तो M, इनको ऊपर बुलाओ L-1 T-2। चाहे आप इससे सॉल्व करो चाहे इससे सॉल्व करो, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। अगर आपको ये याद है विमा तो ये और आसान हो जाएगा बेटा, कि बल का विमा रख दो खट से, क्षेत्रफल का विमा रख दो। तो जल्दी से आप इसे सॉल्व करें अगर आपका आंसर आ गया है तो, नहीं आया है तो फिर से वीडियो पॉज करें, फिर से ट्राई करें, देखें आपसे गलती कहां हुई थी। ओके
बेटा थको नहीं, कुछ लोग थक गए, अरे साहब अब नहीं होगा मेरे पे, अरे अभी दो कराया है बेटा उसी में मरे जा रहे हो, तो थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाओ, अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराएंगे अभी। तो अगर ये कर चुके हो तो इसके बाद हम अगला दिखाते हैं बेटा, अगला बताते हैं शक्ति। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ये फॉर्मूला हम आपको नहीं याद होगा, पहले ही बता दिया, फॉर्मूला हम बताएंगे, कैलकुलेशन आप करेंगे। अब जल्दी से मात्रक और विमा खट से निकालो इसका, जल्दी से मात्रक और विमा निकालो, अगर आंसर आता है तो करेक्ट लिखो, नहीं आता है इनकरेक्ट लिखो, क्यों नहीं आया तो रीजन लिखो। बेटा बहुत बढ़िया हो जाएगा फिजिक्स अगर आपने ऐसे स्टार्ट किया तो, बहुत अच्छा लगेगा आपको धीरे धीरे। अभी थोड़ा स्टार्ट में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फील हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप दो चार लेक्चर में जुड़े रहेंगे आपको बहुत मजा आने लगेगा, फिजिक्स आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। तो देखो बेटा, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, मात्रक लिखो, कार्य का मात्रक। कुछ लोग कह रहे हैं जूल भी होता है सर, बिल्कुल होता है बेटा, जूल पर सेकंड। जैसे अभी अभी इसके पहले आपने पढ़ा, जो क्या पढ़ा था इसके पहले अभी अभी, दाब वाला ना, तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, दाब का आपने पढ़ा था बल बटे क्षेत्रफल, तो इसका भी शॉर्टकट वाला फॉर वो होता है मात्रक। बल का हो गया न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये भी होगा बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम किलोग्राम के फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो ये दोनों होगा, एक तो जूल पर सेकंड हो जाएगा, कार्य का मात्रक जूल और समय का सेकंड, ये तो होगा ही। दूसरा क्या होगा, कार्य का आपने क्या रख रखा है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन, समय का क्या हो जाएगा सेकंड। सबसे ये देखो पुराना वाला बटे का निशान है, तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर दिया जिससे आपको ये पता चले कि नीचे वाला नीचे से और बीच वाले से गुणा हो जाएगा। तो क्या आ गया रिजल्ट, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। बेटा सेकंड स्क्वायर का सेकंड से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा सेकंड क्यूब। अब इसकी विमा क्या हो जाएगी, कार्य की विमा आपने याद कर रखी है ML2T-2, समय की विमा टी, समय की विमा टी, टी को ऊपर ले जाओ, इसकी खोपड़ी पे वन है, ऊपर जाएगा माइनस वन हो जाएगा, तो टी के पावर माइनस टू, टी के पावर माइनस वन, आधार समान हो तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो टी के पावर माइनस थ्री। कुछ लोग कर रहे हो अरे साहब ये कैसे आया माइनस थ्री, ये ध्यान देना बेटा जोड़ रहे हैं, तो माइनस टू और माइनस वन माइनस थ्री होगा जोड़ में, गुणा नहीं कर रहे हैं, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे माइनस माइनस प्लस और टू बन जाए टू, ये टू प्लस टू, ये गलत है, समझे ना, तो ये नहीं करना आपको। अब इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा एम एल टू, टी के पावर में माइनस टू है, टी के पावर माइनस वन और हो जाएगा, तो टी के पावर में माइनस थ्री, ये हो गया बेटा, ये आपका आंसर है। अगर करेक्ट आया है तो जल्दी से लिखो करेक्ट, अगर गलत आया है तो इनकरेक्ट लिखो, रीजन जरूर लिखो बेटा, फास्ट कैलकुलेशन करो बेटा, बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल सिंपल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, आप टेंशन ना लीजिएगा, फॉर्मूला आपको अभी याद नहीं होगा, धीरे धीरे हम आपको फॉर्मूला भी याद करा देंगे। ओके ठीक है भाई, इसको कर लिया हो तो अगर फिर नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद देखिए बलागुण, बल गुणा दूरी, ये होता है। तो बलागुण पे बल, अब मात्रक लिखना है बेटा, बल का मात्रक एक तो ये हो जाएगा न्यूटन और दूरी का मीटर, तो न्यूटन मीटर तो होगा ही, दूसरे फॉर्म में बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूरी का हो गया मीटर, तो क्या आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया विमा बेटा। बल की विमा क्या होगी एम एल टी माइनस टू, दूरी का एल, तो एल से एल का गुणा कर दो एम एल टू टी माइनस टू। ओके ये हो गया बेटा, ठीक है, जल्दी से इसको देखो आपका आंसर आया करेक्ट की नहीं आया, अगर आंसर इनकरेक्ट है तो रॉन्ग लिखो आप बेटा, अगर करेक्ट है तो सही लिखो। ओके जल्दी से फास्ट इसको करने की कोशिश करो बेटा, अगर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके अगर आपने कर लिया हो तो एक और इसी में ट्राई करो, पृष्ठ तनाव, क्या ट्राई करना है बेटा, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई, ये होता है पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला।
मात्रक बताओ जल्दी से। एक मात्रक तो न्यूटन, लंबाई का मीटर तो न्यूटन पर मीटर हो गया एक मात्रक, सिंपल वाला। दूसरा क्या होगा, बल का किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो मात्रक हो गया। लंबाई का क्या हो जाएगा, मीटर, ये पुराना बटे का निशान है तो इसे बड़ा कर दो। अब कुछ बटे कुछ है, कुछ बटे कुछ बनाने के लिए एक से बटे कर लो, तो अब क्या हो जाएगा इसको, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तमीज से लिख देते हैं, अपॉन मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। तो मीटर से मीटर देखो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया बेटा, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ गया, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। विमा देख लीजिए, बल की विमा क्या होती है बेटा, एम एल टी माइनस टू, और लंबाई की एल। लल्लू शहीद हो गए, क्या बचा, एम टी माइनस टू, क्या बचा बेटा, एम टी माइनस टू। क्या आया बेटा, एम टी माइनस टू। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर आपका ये भी करेक्ट है तो अपने कमेंट सेक्शन में लिखो बेटा कि करेक्ट है, और इनकरेक्ट है तो भी लिखो आप इनकरेक्ट है। ओके, अब ये हो चुका हो तो इसके बाद हम एक और विमा निकालवाते हैं। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लिया करें बेटा, ना बेटा धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, वेट ना करिए कि हाँ कभी कर लेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आपका एक दिन फिजिक्स 11 की खत्म हो जाएगी, तो अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, मजा आएगा। अभी स्टार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर धीरे धीरे मजा आने लगेगा। तो देखिए ये हो गया होगा, फिर उसके बाद देखिएगा थोड़ा बहुत इसमें टफ लेवल पे चल रहे हैं। एफ बराबर, नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, जहां जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जहां जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मतलब जानते हो बेटा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान, यहां चले जाओ चंद्रमा पे चले जाओ कहीं चले जाओ, उसका मान परिवर्तित नहीं होगा, और अगर सार्वत्रिक नहीं है तो उसका मान अलग अलग स्थान पर अलग अलग होगा। जैसे स्मॉल जी है, स्मॉल जी एक हम अलग से बता देते हैं, स्मॉल जी क्या होता है बेटा, गुरुत्वीय त्वरण। स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, तो त्वरण का वही होगा जो गुरुत्वीय त्वरण का हमने बताया था ना, नाम मतलब चाहे आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो किसी का भी क्षेत्रफल हो, विमा मात्रक वही होंगे। तो ये गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण माने वेग परिवर्तन बटा समय, तो इसका भी मात्रक विमा देखोगे आप भी त्वरण के बराबर आ जाएगा। तो वेग का क्या होता है मात्रक, मीटर पर सेकंड, ये पुराना बटे का निशान है, इसे थोड़ा सा बड़ा बनाओ, समय का सेकंड बटे एक, ये सबसे नीचे वाला, सबसे ऊपर बीच वाले से गुणा हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब इसकी विमा निकाल लो, ये तो मात्रक था विमा, वेग की विमा क्या होगी बेटा, एल टी माइनस वन, वेग की विमा क्या होगी, एल टी माइनस वन, समय की क्या होगी, टी ऊपर जाएगा माइनस वन और हो जाएगा, तो एल टी माइनस टू हो जाएगा। ये किसकी विमा हो जाएगी बेटा, गुरुत्वीय त्वरण की। तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण की विमा मात्रक वही है जो त्वरण का है, गुरुत्वीय त्वरण का विमा मात्रक वही है जो त्वरण का है, तो मतलब नाम सेम होने चाहिए, सबके विमा मात्रक सेम होते हैं। अब इसके बाद इसमें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की विमा मात्रक निकालनी है, ये थोड़ा सा टफ है। तो जिसका विमा मात्रक निकालना होता है उसको बराबर के एक साइड रखो, बाकी सबको दूसरे साइड, तो इसके बटे एक कर लो। कैची गुणा जानते हो ना, वज्र गुणा, तो देखो इससे गुणा करो, जी एम वन एम टू बराबर एफ आर स्क्वायर, तो G बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। अब मात्रक निकालने जा रहे हैं, मात्रक बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उस फॉर्म में भी लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, एक तरीका तो यही है। बल का मात्रक न्यूटन, दूरी त्रिज्या है, आर दूरी है दो, ये M1 M2 क्या है, ये पिंड M1 है, ये पिंड M2 है, और इनके केंद्र से केंद्र के मध्य की दूरी स्मॉल r है बेटा,
ओके तो आर दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, तो मीटर स्क्वायर किलोग्राम, वो न्यूटन मीटर स्क्वायर, द्रव्यमान का किलोग्राम, ये भी द्रव्यमान है इसका भी किलोग्राम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, एक मात्रक तो ये हो गया, लेकिन दूसरा क्या है न्यूटन मीटर, वो बल का क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या होगा बेटा दूरी का मीटर स्क्वायर बटे में किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर इसके बटे में एक कर लो तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर बीच वाले से बुरा हो जाएगा, तो क्या आएगा बेटा किलोग्राम मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, यही तो आया बेटा। अब एक किलोग्राम से एक किलोग्राम कैंसिल आउट कर दीजिए, ऊपर क्या बचा मीटर क्यूब पर किलोग्राम सेकंड स्क्वायर, ये हो गया इसका मात्रक। एक मात्रक हमने डायरेक्ट बताया, बल का बोलो बेटा न्यूटन, दूरी का मीटर स्क्वायर, द्रव्यमान का किलोग्राम किलोग्राम, तो इसका क्या हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर, ये एक मात्रक है। दूसरा मात्रक ये है विमा, तो एक ही आएगी बेटा विमा, बल इसकी विमा बताओ बल की एम एल टी माइनस टू, दूरी की विमा एल टू, और फिर द्रव्यमान की विमा किलोग्राम की, द्रव्यमान की विमा क्या होती है बेटा बताओ जल्दी से m इंटू एम, तो m2 लिख सकते हैं, एक m से एक m शहीद हो गया, क्या बचा बेटा m ऊपर ले जाओ तो m माइनस वन, यहां कैलकुलेशन कुछ गलत हो गया क्या, हां जी ये बटे में तो है ही है, तो m माइनस वन, m ऊपर जाएगा माइनस वन, l तीन एक दो ये है एक ये है तो L3, अच्छा माइनस वन नहीं लिखा M माइनस वन L3, और T कितना आएगा बेटा माइनस टू, T कितना आएगा माइनस टू, तो ये हो गए इसकी विमा और मात्रक। ये थोड़ा सा अच्छा था क्वेश्चन, इसको एक बार फिर से आप ट्राई करें आपको थोड़ा सा अच्छा वाली फीलिंग आएगी। इसके बाद देखिएगा मिनट बेटा नेक्स्ट, अब हम लोग एक विमा मात्रक अभी छोड़े हुए हैं जो याद करना है उस पे चलते हैं। आवेश का, किसका विमा मात्रक याद करना है बेटा आवेश का। वैद्युत धारा का आप जानते हैं आई इक्वल्स क्यू बाई टी, तो आवेश क्यू का क्या हो जाएगा आई टी। मात्रक निकाल लो बेटा, मात्रक वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड, तो मात्रक क्या हो जाएगा आवेश का, ये क्यों क्या है बेटा आवेश, आवेश का मात्रक क्या हो गया एम्पियर सेकंड, विमा क्या हो जाएगी वैद्युत धारा की ए समय का टी, तो हो जाएगी ए टी। आप इसको थोड़ा क्रीम पाउडर लगा के लिख सकते हो एम एल टी ए, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, जो नहीं है उनके पावर में जीरो लिख दीजिए, तो ये हो गया, इसको याद कर लीजिएगा क्यू का एटी, क्यू का एटी, क्यू का एटी विमा होगी, मात्रक एम्पियर सेकंड। एक तो कूलाम होता ही है आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक है वो वैज्ञानिक के नाम पे है। अब इसके बाद देखिएगा, अब इसके इससे रिलेटेड छोटे छोटे और हम क्वेश्चन करा देते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर ये आवेश का याद हो गया आपको तो आप देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ये ट्वेल्थ में पढ़ेंगे बेटा। अब मात्रक लिख दो, मात्रक क्या हो जाएगा बल का, एक तो न्यूटन पर कूलाम एक तो हो ही गया सीधे मात्रक, न्यूटन पर कूलाम साइंटिस्ट के नाम वाला, एक दूसरा देखो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आवेश का एम्पियर सेकंड बटे एक, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर बीच वाले से गुणा हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर बटे में क्या आएगा एम्पियर सेकंड क्यूब, तो इसी को ऐसे लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर एम्पियर सेकंड क्यूब, ये हो गया बेटा। तो दो मात्रक है, एक तो न्यूटन पर कूलाम एक ही है, विमा एक ही होगा बेटा,
विमा निकालो जल्दी से, बल का विमा एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, क्यू का एटी, क्यू का क्या होगा एटी, एम एल टी को ऊपर बुलाओ टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये हो गया बेटा ओके। अब ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ऐसे ही थोड़ा सा एक आप जल्दी से आप करें, हम बता रहे हैं फॉर्मूला, जल्दी से आप करें। इसके बाद अगर आपको करना है तो विभव का करिए, विभव बराबर कार्य बटे आवेश, विभव या विभवांतर, विभव या विभवांतर, ये नाम नए नहीं है बेटा, ये सब इलेवेंथ ट्वेल्थ वो टेंथ क्लास में आपने सुन रखा है। कार्य बटे आवेश, मात्रक और विमा जल्दी से लिखो आप, मात्रक और विमा लिखो, मात्रक निकालो बेटा जल्दी से, वीडियो पॉज करके सही आए कमेंट सेक्शन में करेक्ट लिखो, गलत है इनकरेक्ट लिखो जल्दी से। अब कार्य का मात्रक हो गया, एक तो जूल पर कूलाम मात्रक आ गया होगा खट से, एक दूसरा वाला मात्रक लिखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और क्यू का एम्पियर सेकंड बटे एक कर लो, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच वाले से गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर सेकंड क्यूब, यह आ गया। विमा क्या आ जाएगा बेटा, विमा क्या हो जाएगा, कार्य की विमा एम एल टू टी माइनस टू, कार्य की विमा क्या होगी बेटा एम एल टू टी माइनस टू, और आवेश की विमा क्यू की विमा क्या होगी ए टी, तमीज से थोड़ा लिख दो एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये आ गया बेटा ओके। विभवांतर की विमा, अब प्रतिरोध की विमा आप निकालो जल्दी से। इसके बाद प्रतिरोध आर बराबर विभवांतर बटे वैद्युत धारा, आर बराबर विभवांतर बटे वैद्युत धारा। अगर आपको विभवांतर का देखिए अलग से निकालना पड़ेगा, अगर आपको ये पता नहीं है तो विभवांतर का अलग से नहीं, अगर आपको निकालना है तो इसी से काम चला लीजिए। तो विभवांतर का क्या होता है, इस फॉर्म में लिखोगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे एम्पियर सेकंड क्यूब, ये बटे का निशान, वैद्युत धारा का क्या हो जाएगा एम्पियर बटे एक कर लो, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच वाले से गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर सेकंड क्यूब। ये तो हो गया मात्रक, विमा निकाल लीजिए। अच्छा प्रतिरोध का एक मात्रक सीधा ओम भी होता है बेटा, ये तो कोई बात ही नहीं है, इसकी बात अलग है। प्रतिरोध का मात्रक ओम, ये टेंथ क्लास में पढ़ा होगा, ये अगर हम एमकेएस पद्धति में लिखना चाहते हैं तो इस रूप में लिख देंगे, वैज्ञानिक के नाम पे लिखना चाहते हैं तो इस फॉर्म में लिख देंगे। विमा देख लीजिए, विभव की विमा आपको निकालनी पड़ेगी, तो विभव की विमा पहले अलग से निकाल लीजिए, आ गया एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। अगर आपने विभव की विमा निकाल ली, वैद्युत धारा की विमा होती है एम्पियर। अब इसको थोड़ा सा तमीज से लेके चले जाओ, एम एल टू टी माइनस थ्री ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए माइनस टू, ये बेटा आंसर आ गया, ये किसका है प्रतिरोध का। तो इस तरह से इसको कुछ आप इसको फिर से ट्राई कर लीजिए, करिए जल्दी से। फिर उसके बाद अगर विभव का आपको पता है तो आप धारिता भी निकाल सकते हो, तो ये विभव का निकालना पड़ेगा बेटा ओके। तो विभव का कैसे निकाला ये ऊपर आप देख लीजिए, वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता सीक्वल्स क्यू बाई वी, आवेश बटे विभवांतर को क्या कहोगे धारिता। तो इसका अगर मात्रक निकालना हो तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये विभव का सीधे सीधे एक मात्रक ये भी होता है बोल्ट, क्या होता है बेटा बोल्ट, तो ये कूलाम पर बोल्ट एक मात्रक हो गया, एक मात्रक क्या हो गया कूलाम पर बोल्ट। दूसरा मात्रक क्यू का आपको एम्पियर सेकंड पता है बटे में, विभव का मात्रक ये वाला देखो क्या है किलोग्राम मीटर स्क्वायर
पर एम्पियर सेकंड क्यूब। इस बार देखो नीचे कुछ बटे कुछ के रूप में है, ऊपर नहीं है, तो ऊपर बटे एक कर लो, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और बीच वाला बीच वाले से गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा एम्पियर स्क्वायर सेकंड पावर फोर हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर सेकंड पावर फोर पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये हो गया मात्रक। अब विमा भी निकाल सकते हो बेटा, थोड़ा टफ की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ 11 से भी कवर कर रहे हैं, कुछ 12 से भी कवर कर रहे हैं। तो विमा देख लो, क्यू का क्या होता है 80, विभव का क्या हो जाएगा अभी अभी निकाला है एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। अब इसको थोड़ा ऊपर बुला लो, जिनको जैसे जैसे यहां लिख देते हैं बेटा, देखो सबसे पहले m ऊपर ले जाओ तो m माइनस वन, फिर l ले जाओ और कहीं l नहीं नजर आ रहा है तो l माइनस टू, t देखो ऊपर जाएगा तो प्लस थ्री हो जाएगा ना बेटा, और प्लस एक और है पहले से तो t फोर हो जाएगा, a यहां नीचे वन है माइनस वन है ऊपर जाएगा प्लस वन हो जाएगा तो a टू, तो ये इसकी विमा हो गई। ओके एक लास्ट विमा आपको दिखा देते हैं पदार्थ की मात्रा का यूज करके बस, तो एक विमा और देख लीजिए बेटा, आदर्श गैस समीकरण होता है पीवी इक्वल्स एनआरटी, आदर्श गैस समीकरण क्या होता है पीवी इक्वल्स एनआरटी, पीवी इक्वल्स एनआरटी, जहां पी क्या है दाब, वी क्या है बेटा वेग नहीं है ये आयतन है, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स मोलों की संख्या, एन क्या है मोलों की संख्या, आर क्या है रिडबर्ग नियतांक या आदर्श गैस नियतांक, ये क्या है बेटा आदर्श गैस नियतांक, और टी क्या है ताप टेम्परेचर। अब इसमें कैपिटल आर आदर्श गैस नियतांक की विमा पूछता है जनरली, तो आर इक्वल्स क्या हो जाएगा पीवी अपॉन एनटी, आंटी नहीं बेटा एनटी, तो दाब दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल इनटू ये आयतन तो है ही है आयतन, बटे में मोलों की संख्या को ऐसे रहने दो मोलों की संख्या और ताप ऐसे ही रहने दो, इसके बटे एक कर लो, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर बीच वाला बीच वाले से गुणा हो जाता है, तो क्या आ जाएगा बल इनटू आयतन अपॉन क्षेत्रफल इनटू एन इनटू टी, इतना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बेटा। अब आपका मात्रक और विमा आराम से निकलेगा, तो मात्रक देखो बल का मात्रक क्या हो जाएगा बेटा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो वाला हो जाएगा न्यूटन से भी कर सकते हो आप, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आयतन का मीटर क्यूब, बटे में क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ मोल का मोल ही रहेगा ना बेटा, और ताप का केल्विन, इसके बटे में कुछ नहीं है तो बटे में एक मान लीजिए, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर बीच वाले से गुणा हो जाता है, सारा कहानी कैलकुलेशन का है बेटा। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर की पावर फोर, किलोग्राम मीटर पावर फोर, देखो मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब और मीटर मीटर की पावर फोर अपॉन में क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर मोल केल्विन, मीटर स्क्वायर यहां बचेगा स्क्वायर, तो ये क्या बचा बेटा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड मोल केल्विन, ये आया। इसकी विमा देखो, विमा देखो, बल की विमा क्या होगी बेटा एमएलटी माइनस टू, बल की विमा क्या होगी एमएलटी माइनस टू, आयतन की एल थ्री और क्षेत्रफल की एल टू, नंबर ऑफ मोल्स की मोल, ताप की केल्विन। अब इसके बाद थोड़ा सा इधर सॉल्व करके लिख दे रहे हैं बेटा, सबसे पहले m ढूंढो कहां कहां है, एक ही जगह है तो m रहने दो, फिर l ढूंढो, ये स्क्वायर है एक l ये गया और यहां स्क्वायर बचा तो l2 बचा, ओके
फिर एल एम एल के बाद क्या ढूंढा जाता है, टी, तो टी माइनस टू हो गया, अब एम एल टी हो गया, अब इनमें से देखो के ए इनको ढूंढो, तो के ऊपर जाएगा के माइनस वन हो जाएगा, मोल ऊपर जाएगा मोल माइनस वन हो जाएगा, मोल माइनस वन, ये इसकी विमा आ गई बेटा, रिडबर्ग नेतांग की विमा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो सकता है लेकिन ऐसा कोई कठिन नहीं है, आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आपसे हो जाएगा। एक बार इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आज के लिए आज का सेशन खत्म करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, वीडियो पॉज करके ये वाला नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू बेटा।